ये मार रखा है, ये देखो ये रहा पार्क। और ये है कुछ ऐसा अपना वन परिसर वाला क्षेत्र, मिस्ट्री है, मछली मगरमच्छ सब होते हैं इसमें। हाँ। अरे ये कुत्ता का बच्चा भाई बिल्कुल टायर के आगे से फरार भाई। तो भाई आज दिन के नजारों के साथ आप सब लोगों का स्वागत है। ये बीच में एक गलती से घर आगे से काट देंगे हम। तो भाई आज दिन के नजारों के साथ आप सब लोगों का स्वागत है अपने ब्लॉग में। ये बैठे हमारे पहले चहीते कलाकार नवाब चौधरी, जो कि आज रोजे में है तो थोड़े से जरा बेचारे भाई हमारे थके हुए लग रहे हैं, चेहरे पे साफ उदासीनता दिखाई देती हुई भाई के। और दूसरे हमारा भाई अबरार भाई, तो भाई हमारे पता नहीं किसके पीछे है। क्या क्या ढूंढ रहे हो यार? देख तो कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। तो भाई जंगल है तो मिलना तो है ही है भाई। और भाई फाइनली जरा करते हैं अपने दिन की शुरुआत, देख लो पहले जैसे भाई करते हैं अपने दिन की शुरुआत। वेलकम बैक टू द ब्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त रोहित स्वागत करता हूँ आपके अपने खुद के चैनल पर अपनी एक नई रेंज के साथ, जिसमें आज हम एंट्री लिए हैं। और अभी आगे जाके एक पहले चेक पोस्ट आने वाली है, उस चेक पोस्ट को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको आज हम कौन सी रेंज में आए हैं और यहाँ पे किस चीज़ की अधिक तादाद पाई जाती है। यहीं से पास होते हैं रात में टाइगर वगैरह सब सब जगह यही है। तो भाई पहले जरा करते हैं जरा अपने आगे पहले एक जो चौकी आने वाली वो क्रॉस, फिर उसके बाद दिखाता हूँ आगे का सीन। तो भाई ये कुछ रास्ते हैं यहाँ से जो शायद लोकल्स लोगों के लिए अलाउड है सिर्फ, और ये आज जिस रेंज में हम आए हैं इस रेंज का नाम अभी आपको बाद में बताऊंगा, हो सकता है शायद आपको ब्लॉग के एंड में बताऊं, क्योंकि आज ये नई एक रेंज है तो इसे भी हम मैं तो पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अबरार भाई नवाब भाई इस तरफ से आते हैं, मतलब बीच में कुछ ऐसी जगह गई थी, कुछ स्पॉट ऐसे गए थे जहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे हम अलाउड, जहाँ पे अलाउड नहीं है कोई चीज़ वहाँ पे हम करते ही नहीं। लेकिन ये जगह जो है ये आपको देखने में ऐसी लग रही होगी कि अभी सब लोग चल रहे हैं कुछ भी ऐसा वैसा, लेकिन अबरार भाई याद है जब हमने लास्ट वाली उसमें दिखाई थी कि टाइगर बिल्कुल क्रॉस हुआ था हमारे पहुंचने से ठीक 2 मिनट पहले है, और भयंकर सुबह सुबह लोग कैसे हमारे बाइकों से जाते हैं सब चीजें करते हैं यहाँ पे, सब जगह एनिमल एक्टिविटी होती है और लोग यही है। नवाब भाई क्या लगता है क्या अगर यहाँ पे मतलब किस चीज की कमी होगी बताओ? चलो अच्छा मुझे यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है, टाइगर भी बहुत है और लेपर्ड तो इतने हैं, काफी लेपर्ड है यहाँ पे, लेपर्ड की संख्या काफी है, और जो लोकल है वो वहाँ पे यहाँ पे मवेशी वगैरह अपने लेके आ, देख रहे हो ये कुछ लोकल लोग हैं कुछ यहाँ पे अपने जो मवेशी वगैरह चराने के लिए लेके आए यहाँ पे भाई, अलग ही है भाई। अगर अभी मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा यार, मजा आएगा फिर तो दिन बन जाएगा ना भाई। कल फाटो जोन में पूरा दिन टाइगर उस पर बैठा रहा है नाले में पानी में, कल फाटो जोन में। हाँ। भाई साहब वो जो आपने मतलब जो वो मुझे जगह बताई थी वो या फिर कोई दूसरी जगह, मेन फाटो जोन की बात कर रहे हो? मेन फाटो जोन। तो उसके लिए तो सफारी पे जाना पड़ेगा ना, सफारी सफारी हमारे यहाँ गेस्ट गए थे तो उन लोगों ने फोटो न्यूज पेपर में भी आया, उन लोगों ने दिखाया, लेकिन सफारी के जो ब्लॉग है ना वो रणथंभौर के बना के देख लिया मैंने, सही है जो भी है। कुछ लोगों को सफारी पसंद आती है और कुछ लोगों को ऐसे रो जंगल जो है ना ये रो चीज देखने ना। सफारी का हमारा इस बार बहुत मन है ये हम कर रहे हैं। हाँ। और वो ये टाइम नहीं मिल, टाइम की बात है देखो शांत अब रहा बिल्कुल हल्की करना जरा 1 मिनट इसे बिल्कुल हल्की करना, मैं इसे जरा बाहर निकालता हूँ कैमरे को भाई। ये बहुत ही अलग देखना, बिल्कुल ही घना जंगल है और भाई कुछ अलग ही इसकी वाइब कुछ अलग आ रही है भाई। रास्ता है तो सही एक, चलो सही है आगे की तरफ चलते हैं जरा। अभी आगे अभी आप ना बीच में क्या होता है कि छोटे छोटे गांव पड़ते हैं तो गांव को अपना जो है वो अवॉइड करना पड़ता है, गांव के बाद फिर दिखाते हैं आपको आगे का सीन, क्योंकि फिर तो अपना मेन जो है जंगल वाला एरिया वाली नाला बहुत कोर एरिया वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं गेबुआ नाला। गेबुआ नाला क्यों? ये इसकी को कहीं बता नहीं सकते इसका पानी कितना गहरा है कहाँ पर, इस नाले का पानी इतना सा पानी भी आपको ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा। जरा रोकना देखूं जरा मैं भी, अरे भयंकर अभी तो कुछ दिख भी ना, बुरा हाँ इसमें ऐसा लगता है तो कुछ है ही नहीं, मतलब गेबुआ इसलिए बोलते हैं कि मिस्ट्री है, मछली मगरमच्छ सब होते हैं इसमें। हाँ। अरे भाई देखने से लग नहीं रहा, लेकिन ये अपने काशीपुर तक पहुंच रहा है बता दो ये नाला और क्या। अरे इसकी भैंस की आंख देखना, मगरमच्छ भी होते हैं भाई साहब, ये नाथपुर में जा रहा है सही है भाई भाई। हाँ भाई ये देखना यार क्या तगड़ा लग रहा सीन यार, ये तो अलग ही है यार अपना कॉर्बेट का ना सीन कुछ अलग ही है भाई, कॉर्बेट का मुकाबला कहीं नहीं है जितनी जगह अभी हमने देखी है भाई, कॉर्बेट का मुकाबला कहीं नहीं है, जन्नत है, लोग कहते हैं कश्मीर जन्नत है, हमारे लिए ये जन्नत है भाई। यार ये जंगल है जन्नत है कुछ भी कह सकते हो क्यों ना भाई, जंगल का ही मजा है बस बस ये तो है भाई।
और अभी तो दिन का टाइम है तो इस वजह से आपको लग रहा होगी कि आज दिन का टाइम क्यों, मतलब आज दिन के टाइम में क्यों बना रहे हैं। कश्मीर वगैरह का हिल स्टेशन वगैरह का थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, जंगल होता है ना, क्योंकि वहाँ पे सब चीजें ना सेम रहती है। वहाँ पे क्या देखोगे आप, एक ही गुलमर्ग है, एक ही सोनमर्ग है, एक ही बर्फ पड़नी है, सब कुछ होना है, अलग ही चीज होती है, जंगल का मजा अलग ही है। सही बात है भाई, अलग दोपहर में अलग, शाम में अलग, और सनराइज के टाइम में बिल्कुल ही अलग, सनसेट के टाइम में तो भाई इतनी तगड़ी चार हो जाती है, फिर उसमें कहने को मजा नहीं आता फिर। लेकिन दिन के टाइम में आज इसलिए लेके आए क्योंकि पतझड़ का था, पतझड़ में अलग, पतझड़ में बारिश के बाद, और देखो अभी फसल कैसी हो रही है, कुछ दिन पहले खेत तो ऐसा खिल रहा था भाई, बता कुत्ते को, कुत्ते के बच्चे को देखो बिल्कुल कहाँ से निकाला मेरे भाई ने, बताता हूँ, कुत्ता का बच्चा भाई बिल्कुल टायर के आगे से फरार भाई, देखा गाड़ी, मतलब इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया लेकिन भाई बिल्कुल टायर के आगे से निकाला है कुत्ते का बच्चा, बच गया भाई बिल्कुल। ये देखना गेंदी भाई, अपने कॉर्बेट का यही मजा है कि आपको हर जगह हर वक्त हर एक अलग लोकेशन पे एक अलग चीज मिलेगी, एक अलग जगह देखने को मिलेगी, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, और साथ में कुछ थ्रिलिंग देखने को मिलेगा। पहले तो ये बंद कर देता, नहीं तो थ्रिलिंग मिट्टी उड़ाता हो जाएगा, अरे मिट्टी उड़ाता हो जाएगा, नहीं बीप तो मैं डाल दूंगा, क्या करते तुम भाई, देखो सब आप लोग समझ गए होंगे भाई, बीप आ गया होगा, समझ गए भाई, देखो उल्टे सीधे तरीके से वो गाड़ी चला रहा तो लगता ना यार हम तो एंजॉय करने आए यहाँ पे, और कितना प्यारा व्यू है, देखो भाई साहब बहुत जबरदस्त का यार, इसमें मिट्टी लगी पड़ी है यार भाई, बाहर से दिखाऊंगा जरा मैं भाई साहब यार, भाई ये देखो क्या सब में एनिमल एक्टिविटी है भाई साहब, क्या अलग ही सीन है यार, ये रास्ता कहाँ जा रहा है, फाटो जोन। अच्छा ये फाटो जोन की तरफ से जा रहा है, तो चलो नेक्स्ट टाइम अपने दिन के टाइम में ना यहाँ पे भी करेंगे, गलती मत करना, ये जंगल जो है ना सिर्फ देखने के लिए, अभी आपके ये जो खूबसूरती है ना ये निहारने के लिए, अंदर जाने के लिए नहीं है, से घूमो आराम से, जितने भी गेस्ट आते हैं कुछ लोग आते हैं भाई, नीचे तो आपको पता है कि अपने रिजॉर्ट का नंबर है और नवाब भाई का भी नंबर है, उसमें बीच में जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नवाब भाई आपको एक एक गलियां बता देंगे भाई, ठीक है ना, एक एक गली बताना, कोई भी प्रॉब्लम आती है कॉल कर सकता कोई भी, बेझिझक 24/7 सर्विस अवेलेबल है, ध्यान रखना। तो भाई फाइनली उस वाली लोकेशन से निकल के अब जरा हम अपने आ चुके हैं अपने हाथी डगर वाला, भाई यार भाई पीछे तो वो रह गया यार, वो दिखाना था यार, पीछे हो जाएगा क्या गाड़ी देखने जरा, अगर हो जाए तो भाई आप सब लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे हाथी डगर वाला जो नया गेट खड़ा है ना, क्या वो अभी तो दिन का टाइम है यार, अभी तो भाई दिन का टाइम चल रहा है, और ये अपना जो है हाथी, ये हमारे भाई की स्किल है जो कि मैं आपको जिससे बात कर रहा था, ये रहा ये नया गेट खुला है यहाँ पे, है ना, चलो आओ वो क्या आते हैं अबरार भाई, जरा अंदर आज जरा थोड़ा सा जरा अंदर का भी दिखा देते हैं, हाथी डगर वाला जो नया गेट खुला है ना ये उस जगह पे भी हम आ गए हैं, और यहाँ पे जब मैं आपको लास्ट वाले प्रोग्राम में पहले बता चुका हूँ कि इस जगह का नाम हाथी डगर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इस जगह तो हाथियों का पास आउट जो है बहुत ही ज्यादा होता है, अभी सामने उतर के चले गए वहाँ पे, चलो जी आओ चलते हैं, चलो जी आगे हमारे साथ हमारे नवाब भाई भी, भाई गाड़ी कर दी यहीं पे पार्क, और ये है कुछ ऐसा अपना वन परिसर वाला क्षेत्र, तो एक बार देखते हैं जरा यहाँ पे, पूछते हैं यहाँ पे क्या भी चार्जेस वगैरह हैं और क्या यहाँ पे रात का क्या सीन रहता है, एक बार वो भी देखते हैं जरा, चलते हैं। अच्छा ये भवन है यहाँ पे, हाँ। सही है भाई सही है, ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के जानवर ना घुसे, हाँ चारों तरफ के लिए। तो भाई इन वादियों से निकल के अभी जरा जहाँ पर थे अभी हम अपना हाथी डगर वाले गेट पे, उस जगह से अभी हम आए हैं, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी हमने, जो ली हमने कि हाथी डगर वाला जो गेट है ना वो दो जोन के बीच का है, एक आपका ढेला जोन और एक आपका झरना जोन, मतलब हाथी डगर बीच में है, फाटो जोन और ढेला जोन है ना, फाटो जोन मतलब ये बाउंड्री से लगे हुए हैं, ये बीच का हिस्सा है, एक तरफ आपका ढेला जोन है और एक तरफ आपका फाटो जोन है, आप उनमें एंटर नहीं कर सकते लेकिन बाउंड्री है वो एक तरीके की। तो भाई बाकी सीन तो यही है कि यहाँ पे नया जगह है, आप आके एक बार ट्राई कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन नंबर है नवाब भाई का भी, नवाब भाई से आप पूरा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं इस जगह के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन लेनी हो, क्या चार्जेस हैं, क्या यहाँ पे टाइगर साइटिंग की प्रोबेबिलिटी है और क्या यहाँ पर आना सही है नहीं है, सब आप एक बार नवाब भाई से कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हो। भाई ये देखो ये अबरार भाई, तो पतझड़ का टाइम का सीन है ना तकरीबन, और जब ये बाद में भाई खिल के आएंगे तो क्या जबरदस्त लगेंगे यार, ये कॉर्बेट में मजा आता है भाई, अलग ही सीन है भाई यहाँ पे थोड़ी सी दूर जाओगे एक अलग सीन, थोड़ी सी दूर जाओगे अलग सीन, और अभी हाथी डगर वालों का यही सीन था कि भाई नया गेट खुला है,
तो यहाँ पे जो टाइगर साइटिंग है वो अच्छी हो रही है, और सुनने में ये भी आया है कि ये मतलब अभी लास्ट टाइम अपने रिजॉर्ट से जो है कुछ वहाँ से गए थे बंदे है ना, गए थे ना रिजॉर्ट से, तो उन्हें भी टाइगर साइटिंग हुई थी। और कुछ ऐसा सा एरिया भाई इसके बाहर का जो हाथी डगर वाला एरिया है उसके बाहर का एरिया भाई ये, यहाँ से दूसरी गाड़ी निकलने का भी नहीं है, यहाँ की रोड जो है ना वो अभी बन रही है और सही है भाई, अभी तक का सीन जो है बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर रात में आते हो तो भाई रात का सीन हम आपको दिखा चुके हैं, लास्ट वाला व्लॉग दिखाया था हमने, अभी यहीं से टाइगर पास हुआ था याद है ना भाई पीछे से, और इसी एरिया में वो विचरण कर रहा था टाइगर जिसे हम छोड़ के चले गए थे भाई, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है यार ये। तो भाई फाइनली अभी हम जरा पहुंच चुके हैं अपने अबरार भाई नवा भाई के रिसोर्ट पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी बहुत दिनों से बहुत काम चल रहा था तो मैं ही बाहर था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नए चैनल की शुरुआत करी है ट्रैवलिंग वुल्फ के नाम से, तो उस चैनल पे भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है। ऋषिकेश में था मैं कुछ दिन मैं अपना देहरादून में था, तो कुछ दिन मैंने वहाँ पे अपनी ऑफ पीक चीज़ें ट्राई करी हैं, अलग चीज़ें ट्राई करी हैं, और एक नया चैनल जिसमें आप सब लोग मोटो व्लॉगिंग के लिए, जिसके लिए मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भैया मोटो व्लॉगिंग के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि बाइक है मेरे पास एक्चुअली में, तो उसके लिए भी एक सेपरेट चैनल खोल दिया मैंने, क्योंकि सब चीज़ें अलग अलग तो बेहतर रहता है। ये वाला चैनल अपना पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ डेडिकेटेड है, उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कीजिए। उस पर एक वीडियो अभी तक की फर्स्ट वीडियो मैं उस पर डाल चुका हूँ, जाके देखना बताना क्या कमी है, क्या कि ठीक किया जा सकता है वो भी बताइएगा भाई। बहुत देर बाद फाइनली यहाँ पे आ गए भाई, ये वो नदी है रिजॉर्ट के पीछे की, जहाँ के पीछे पूरी अपनी वाइल्ड लाइफ की एक्टिविटी जो है हम देख सकते हैं आराम से रात में। कई बार ना यहीं पर आता है, यहीं पर आके खड़े होते हैं हिरन, यहाँ पर ना ये छोटा सा नाला बहता है, और यहीं पर ही सुनने में आया है परसों एक लेपर्ड ने एक जंगली सुअर का शिकार किया है। कोई भी नहीं है, ये पूरा पूरा जंगली एरिया है पूरा, यहाँ पे इस पीछे तक यहाँ पे जो ये पास का दिखा रहा है ना, देवो हो जाएगी अभी, कहाँ से चलोगे? चलो फिर आओ चल रहे हैं भाई। लो ये तो नया सीन हो गया भयंकर, यहाँ से जरा देवो को देवो कर लेते हैं आज, अपनी डे में वैसे भी कोई डेंजर नहीं है अभी, चलिए भाई तो यहाँ से चलते हैं जरा, मेरे ख्याल से आगे से कहीं से रास्ता एक बार वहाँ से चलते हैं फिर रास्ता भाई। यहाँ पे हो गई अपनी फेंसिंग खत्म रिजॉर्ट की, और ये रिजॉर्ट के पीछे का रास्ता है सारा का सारा ना, यहाँ पे मैंने आपको शायद एक आधी बार यहाँ पे एक बार वो भी तो दिखाया है, क्या नाम है, सामर डियर वगैरह जो पीछे आके खड़े होते हैं यहाँ पे रात में, यहीं पे आ जाते हैं भाई पीछे, ज़्यादा दूर नहीं, ये अपना रिजॉर्ट और ये वाला एरिया तकरीबन अपनी है, और यहाँ पे भाई रात में सांबर वाम्बर सब आते हैं। हाँ कहाँ से आ रहे हैं? बिजरानी से आ रहे हैं। तो बिजरानी से पानी आता है, ये अभी सूखा पड़ा है ये नाला। चलो पैर फिसल रहे हैं मेरे तो। अच्छा ये हाँ नाला में मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखो जानवरों के पैरों के निशान है। आओ मैं ये देखो ये पैरों के निशान है यहाँ पे, जानवरों के पैरों के निशान है भाई। ये पूरा का पूरा देख रहे हो नदी कह सकते हो, छोटी नदी क्योंकि एक मिनट जो पहले देख लो यार यहाँ पे पैर जरा ध्यान से रखना, मोर वोर के तो हैं यहाँ पे, मोर तो बहुत आता है यहाँ पे, मोर का तो दिख रहा है देख रहे हो भाई। भाई ये छोटी वो है नदी, पैर भी धस रहे हैं मेरे तो इसमें, इस तरह पूरा पूरा का पूरा ये वही तो है सारा का सारा जंगली एरिया है सब, पानी आता है इसमें आदमी डूब जाता है। और इस पे बहुत स्पीड से पानी चलता है। अच्छा भाई जानवरों के पैरों के निशान तो साफ दिख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो थोड़ा थोड़ा सा, मतलब अभी इस टाइम पे इतना कुछ खास खतरा लग नहीं रहा मुझे यहाँ पे, लेकिन रात के टाइम पे यहाँ पे खतरा पक्की बात है हो गई होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आगे पेड़ हैं सब घिरे हुए हैं ना, तो जानवर कहीं भी छुपा हो सकता है यहाँ पे, कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता किसी का भी। अच्छा 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 ये देखो यहाँ तो सही सबके सब पग मग वगैरह सब जानवरों के पैरों के निशान है यहाँ पे, पैरों के निशान है सब जानवरों के, हिरन तो बहुत ही आता है यहाँ पे। हाँ रात में तो हम देख चुके हैं यहाँ पे, यहीं पे तो आता है हिरन वगैरह सब। पहले की बात है एक ही हमारे स्टाफ थे वो बता रहे थे कि देखो वो जंगली मुर्गे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पर है वो है देखो आगे। अच्छा हाँ बोरे 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 बहुत दूर है वो तो, वो रहा जंगली मुर्गा भाग गया, बहुत वो भागते हुए जा रहा है, वो रहा भाग गया दिख गया, लेकिन यहाँ पे हाँ टाइगर क्रॉस हुआ था कितने दिन पहले, यहाँ से टाइगर क्रॉस हुआ है
शाम के टाइम में यही इधर ही बैठता हूँ, जंगल वाले एरिया में बैठता हूँ। वो बता रहा था कि सर यहाँ से टाइगर क्रॉस हुआ। अरे भाई साहब मैं वहाँ से रहने दो यार, आगे नहीं जा रहे, छोड़ो एक्टिविटी हो रही है, इधर आओ। चलो एक बार चल के देखते हैं भाई जरा यहाँ पे जी, पूरा वाइल्ड लाइफ ही है सारा का सारा, सब वही है। जब यहाँ पे रात में जानवर चलते हैं ना तो पत्तों की आवाज आती है फिर एकदम से। तो बैठने का बना हुआ है बड़े जानवर होते हैं जैसे हाथी होते हैं तो वो नुकसान ज्यादा करते हैं फसल का। हाँ 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 सही है भाई, उन्हें भगाने के लिए यहाँ बनाया हुआ है। मोर की आवाज तो आ रही है अभी भी। मोर तो बहुत भाई, मोर वगैरह और ये हिरन वगैरह तो खूब आते हैं दबा के यहाँ पे, जिस तरीके से नवाब भाई ने बताया। यहाँ पे नाइट में ही होता है, नाइट में ही होता है। तीन दिन पहले जो है यहाँ से टाइगर वगैरह क्रॉस करा है भाई, और अभी चार दिन पहले ही एक लेपर्ड ने जो है एक जंगली सुअर को इस तरफ मारा है, आगे जाके छुपने वाली जगह पे। अभी यार आएगा तो है, देखो लेपर्ड मारेगा तो आएगा ही अपनी जगह पे। तो आ रही बदबू आ रही है उसकी अभी भी, उसकी बॉडी पड़ी है। कितने दूर होगा यहाँ से? ये वाला बाज जो है ना के नीचे, देख ले आ जाओ। चलो देखते हैं भाई, एक बार जरा देख के आते हैं जहाँ पे लेपर्ड ने मारा है अभी एक जंगली सुअर को। कहाँ ये पड़ा देखो, अरे ये रहा जंगली सुअर भाई, ये मार रखा है ये देखो, ये रहा सूख गया, पड़े पड़े भी सूख गया यहाँ पे, लेकिन दिख रही है इसकी बॉडी साफ, ये आँख दिखाई दे रही है मुझे इसकी। भाई साहब अभी है ही कितनी दूर हमारे यहाँ से, 50 मीटर भी नहीं है भाई गिनती का 50 मीटर। और तभी तो हम कहते हैं भाई यहाँ पे कोई भी जगह जो है ऐसी जगह नहीं है जो वाइल्ड लाइफ ना हो जहाँ पे भी। और ये कितना खतरनाक है, अगर रात में कोई यहाँ पे आ जाएगा क्या, हम भी नहीं आ सकते भयंकर यहाँ पे। तो नाइट वॉक कराओ ना यहाँ की रात। चलो एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं भाई नाइट वॉक यहाँ पे। उम्मीद है भाई अच्छी लगी आप सबको भी, लेकिन फटेगी यार यहाँ पे नवाब भाई पूरी यार, ये तो बात है फटेगी पूरी। सही है भाई, चलते हैं जरा अभी अपने इसी छोर से वापस उसी तरफ।